गुड मॉर्निंग, हम फिजिक्स में नंबर नंबर दो बना रहे हैं। तो इस साइड आप देखिएगा उसमें 8.1 का सवाल है कि कोई वस्तु जो है 16 मीटर जो है वो 4 सेकंड में तय कर रही है और फिर 16 मीटर उसको 2 सेकंड में लग रहा है, 6 सेकंड में तय कर रही है, तो उस वस्तु की औसत चाल क्या है, यानी वो उसकी औसत चाल निकालना है। क्योंकि हम लोग औसत चाल पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि औसत चाल जो होता है क्या होता है, कि कई कई कुल दूरी बढ़ाने लगा कुल समय, पहले निकालने के वो कितना कुछ तय किया और कितना समय वो तय किया उसके अनुपात भी उसका क्या कहलाएगा, औसत चाल। इस आधार पर हम तय की गई कुल दूरी तय किया, कितना तय किया 16 मीटर और प्लस 16 मीटर, हम वही लिखिए 16 मीटर प्लस 16 मीटर, क्योंकि 4 सेकंड पहले 4 सेकंड में 16 मीटर तय किया, फिर 2 सेकंड में 16 मीटर है, दूरी 16 और 16 हो गया, 16 और 16 यानी 32 मीटर की दूरी हो गया। समय कितना लगा उसको, पहले चला 4 सेकंड उसके बाद 2 सेकंड चला, यानी कुल समय इसमें कितना हो गया 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड यानी 6 सेकंड हो गया। इस तरह उसका औसत चाल बराबर हो गया तय की गई कुल दूरी बराबर कुल समय बराबर हो गया 32/6 मीटर प्रति सेकेंड, 32/6 मीटर प्रति सेकेंड, यही उसका औसत चाल हो गया। और इसको दशमलव में बदलते हैं, यहाँ लिख देंगे 5.33 मीटर प्रति सेकेंड उस वस्तु की औसत चाल होगी। इस तरह हम इस विकल्प को अंतर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।